अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम फ़हीम है और मैं असले की रिपेयरिंग करता हूँ। तो गाइस आज आपके लिए एक वीडियो है, ठीक है। ये PT99 पिस्टल है, ठीक है, PT99 AFS, ठीक है। ये जो है इसके अंदर फोल्ड आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे कि ये मैंने जो है इसको फायर मार दिया, ठीक है। अब मैं इसका जो है हैमर लोड करूंगा ना, ये देखें, ये जो ट्रिगर है ना इसका ये ट्रिगर सही जगह पर रुक नहीं रहा है ना, इसका ट्रिगर इधर रुकना चाहिए, इस जगह पर। जब इसको हैमर को हम लोड कर देंगे तो इसका जो ट्रिगर है वो यहाँ पर रुकना चाहिए, देखें, ये जो है इधर रुक रहा है, ठीक है। और इसको जो है काफ़ी ज़्यादा पुश करना पड़ रहा है जब जाकर ये फायर हो रहा है। इसको चाहिए कि ये इस जगह पर रुके। काफ़ी फ्रेंड होते हैं उनके साथ जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से जो है इस प्रॉब्लम को जो है हम सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइस। तो वीडियो को जो है एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि ये बहुत नॉलेज वाली वीडियो है और जो है इंशाल्लाह आपको काफ़ी नॉलेज हासिल होगा, ठीक है गाइस। तो मैं जो है आपको ये वीडियो कैमरा जूम कर दिखाऊंगा करीब से ना, तो आप इंशाल्लाह गौर करें, आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो है ये फोल्ड हो जाए तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है गाइस। ओके गाइस, तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यार अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लें, इस प्रॉब्लम ये जो प्रॉब्लम इसके अंदर आई है, वैसे इसको बोलते जो है डबल क्लिक पे जो है फायर कर रहा है ना, तो ये देख लें इस तरीके से ये प्रॉब्लम है इसकी। और ये बिल्कुल आसानी से, बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम जो है हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये ठीक है ना, सबसे पहले तो जो है ना इसको पिस्टल को जो है खोलेंगे, इसकी जो स्लाइड है सबसे पहले इसको रिमूव कर देंगे, इसके अंदर से निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो देख रहे हैं आप सीधे हाथ के दस्ते, ये याद रखिएगा, सीधे हाथ के दस्ते में जो है ना ये इसकी लीवर लगा हुआ होता है ना। तो आप भी अगर इसको, अगर आपके पिस्टल में ये प्रॉब्लम आ जाए या आपके पास ये पिस्टल ना हो, वैसे ये वीडियो जो है बहुत नॉलेज वाली है ना, आपकी कभी भी कहीं भी काम आ सकती है ना। तो ये देख लें, मैंने इसका दस्ता निकाल दिया, ये इसका जो है लीवर कहलाता है, ठीक है, जो हैमर को वर्किंग देता है ना, डबल एक्शन भी चलाता है ये लीवर, और ये लीवर जो है लोडिंग के बाद जो है हैमर रिलीज करने का भी काम करता है। वैसे ये जो है प्रॉब्लम क्यों आती है मैं आपको बताऊं, ये प्रॉब्लम जो है आप खाली चलाएंगे ना, डबल एक्शन चलाते रहेंगे, लोड करेंगे फिर चलाएंगे, फिर लोड करेंगे फिर चलाएंगे, तो ये जो है प्रॉब्लम इस वजह से आ जाती है, ठीक है। अभी देख ले आप किस तरीके से जो है ये साइड वाला जो स्प्रिंग है इसको आप बहुत एहतियात से निकालिएगा, कभी भी आप निकालें, ये स्प्रिंग जो है बहुत काम का होता है, और ये समझ ले अगर ये ना होगा तो ये पिस्टल भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये स्प्रिंग जो लगा हुआ है साइड में काम का होता है, पेचकस से जो है इसका जो ट्रिगर के अंदर जो स्प्रिंग लगा हुआ होता है उसको जो है मैंने इसको टेस्टर से पकड़ लिया, वैसे ये निकल जाता है ना, ये बस काम को शॉर्ट करने के लिए मैंने इससे पकड़ लिया ना, इस पिन लगा दी और जो है वो स्प्रिंग इस पिन पे टिक गया ताकि वो नीचे नहीं बैठे, ठीक है। इसमें अगर ऐसा करेंगे तो उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको जो है ना वापसी इसी तरीके से पकड़ें। और अच्छा देखें, ये जो है ना इसके अंदर जो है ना ये चला चला कर जो है ये इस खुल गई है थोड़ी ना। अब आप गौर से देखिएगा कि ये किस तरीके से जो है ये ठीक होगी। सबसे पहले तो जो है इसका हम बैलेंस चेक करते हैं, इसका बैलेंस किस साइड पे गिरा हुआ है। ओके,
इस साइड से जो है ये गिरा हुआ है इसका बैलेंस, ठीक है। अब इसको जो है आपने क्या करना है, सिंपली एसी अगर वाइस हो तो आप जो है इस तरीके से इसको पकड़ लें वाइस में, ठीक है। इस तरीके से जब आप इसको पकड़ लेंगे ये आपको मैं एंगल दिखा रहा हूँ किस तरीके से जो है ये खुल गया है ना, तो आपने क्या करना है सिंपली आपने जो है इसको इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है। और इस जगह पर जो है बस इतनी ही चोट मारनी है, दो तीन हथौड़ी की चोट हल्की हल्की सी मारनी है ताकि वो जो है उसका रुख थोड़ा डाउन हो जाए, ठीक है। वो जब डाउन हो जाएगा तो वो जो है हैमर के साथ चिपक कर चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका काम जो है यही होता है कि हैमर के साथ जो है चिपक कर चले। ओके, तो ये मैंने अभी इसको कर दिए, अब जो है हम इसको फिट कर कर देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है, ठीक है। मैं भी देख लूँ, आप भी देख लें, ठीक है, ताकि हम जो है एकदम मुतमईन हो जाएं कि ये जो है मैंने इसके अंदर ये काम किया सही किया। ये देखें स्प्रिंग निकल गया था, ठीक है, स्प्रिंग निकल गया, तो अब जो है इसकी मदद से जो है इस स्प्रिंग को उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देख लें किस तरीके से उठता है। इस तरीके की जो है आपके पास एक तार होनी चाहिए और उसके आगे जो है कुंडा बना हुआ होना चाहिए ताकि उस स्प्रिंग को आप उठाएं और स्पिन को इसकी मदद से जो है ना ये स्प्रिंग आसानी से लग जाता है ना। तो अभी देख लें आप किस तरीके से मैं इसको लगा रहा हूँ, इस स्प्रिंग से जो है वाले स्प्रिंग को उठाना है और जो है पिन को जो है आपने क्या करना है सिंपली अंदर धक्का दे देना है, ठीक है, ताकि वो बैठ जाए। ओके गाइस, तो ये इसी तरीके से लगता है ना। अब जल्दी से जो है हम इसको जो है फिट करेंगे, दस्ते इसके लगाएंगे, ठीक है। ये साइड वाला स्प्रिंग जो है लाजमी लगाना होता है, ठीक है, ये अगर आप नहीं लगाएंगे या भूल जाएंगे तो आपका पिस्टल जो है सही काम नहीं करेगा ना, तो ये लाजमी लगाना होता है। देख लें किस तरीके से लगेगा, ये इस तरीके से आसानी से लग जाता है। ओके, इसके बाद जो है दस्ते लगेंगे इसके, ओके गाइस। तो अब जो इसके पैंच लगा देंगे हम, स्क्रू टाइट कर देंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये पिस्टल ठीक हो गया होगा और भी आगे हम देख लेंगे, फिट तो ये हो ही गया है। इसको हाथ के हाथ चेक भी कर लेते हैं कि ये जो काम हुआ है ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे आपने ये जो देखा है इससे आपको काफ़ी नॉलेज हासिल हो गया होगा ना। तो गाइस बस जो है भाई को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। ये देख लें अब ये हैमर लोड हुआ और ये ट्रिगर अपनी जगह पर आ गया, ठीक है। इसको यहीं पर होना चाहिए, अगर ये यहाँ नहीं होगा जैसे पहले हो रहा था तो ये समझ लें इसके अंदर फॉल्ट है, ख़राब है, ठीक है। ये फॉल्ट किस तरीके से सॉल्व होगा ये तो आपने देख लिया है। ओके, तो ये देखें ये लोड करा, ये ट्रिगर अपनी जगह पर आ गया। जो जेन्युइन जगह होती है वो यही होती है इसकी ना, वो जो डबल क्लिक इसका हो रहा था वो ख़त्म हो गया, अब जो इसकी ये जेन्युइन परफॉर्मिंग थी वो इसके अंदर आ गई है। PT-99 पिस्तौल है ये, 9mm, ठीक है, ओरिजिनल पिस्तौल है, इम्पोर्टेड। ओके गाइस, तो भाई को दुआओं में याद रखा करें यार, ठीक है। ओके गाइस, तो ये अब देख लें आप, ठीक है, ये किस तरीके से जो है काम कर रहा है। ये जेन्युइन इसकी कंडीशन होती है, ठीक है। अगर ये इधर या ऊपर कहीं भी रुकेगा ना तो समझ लें इसकी जो है सेटिंग सही नहीं हुई भी और ये ख़राब है। तो ये देख लें, अगर जैसे मैंने अभी तो इधर से लोड करा है ना, इसको जो है मैं इधर से भी लोड करूँगा तो ये अपनी जेन्युइन जगह पे आएगा, ठीक है, इसमें डबल स्टेप नहीं आएगा। पहले ये जो है इधर रुक रहा था, ठीक है, तो
अब जो है ये अपनी जगह पे रुक जाए, इसको रुकना चाहिए, ठीक है गाइस। तो ये डबल स्टेप जो है ना नहीं आना चाहिए, ओके गाइस। तो और भी अच्छी अच्छी वीडियो हैं, ठीक है, और मज़ीद आती रहेंगी, तो इंशाल्लाह जो है आप देखते रहें एम फही माम्स, इंशाल्लाह आपको और भी नॉलेज वाली वीडियो मिलेंगी, ठीक है गाइस। मतलब के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।